हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज इंटेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.4। देखिए यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। एनसीईआरटी बुक का इंटेस्ट क्वेश्चन एमआईएन चैप्टर का 13.4 है। एमआईएन चैप्टर का इंटेस्ट क्वेश्चन 13.4 है। क्वेश्चन नंबर वन है, पहला कह रहा है कि C2H5NH2 कॉमा C6H5NH2 कॉमा दे रखा है, पुनः NH3 कॉमा C6H5CH2NH2 दे रखा है एंड C2H5 का होल ट्वाइस NH दिया है। इसको जो है बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंजमेंट करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको अरेंजमेंट करना है। यह 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन है, यह एरोमेटिक एमाइन है लेकिन 1 डिग्री ये भी है, यह अमोनिया है बिना डिग्री का है, यह भी 1 डिग्री है, एल्किल एरिलेमिन है, एल्किल एरिलेमिन या एरिल एल्किल, सॉरी एरिल एल्किलेमिन है, लेकिन कितना डिग्री है, 1 डिग्री ये भी है। यह एलिफेटिक एमीन का 2 डिग्री है और सबको बताना है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में बताना है। तो सबसे कम इसमें देखिए कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो हम कहेंगे सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ C6H5NH2 का है। अब यह बात हो गई क्यों, क्वेश्चन नया एराइजेज हो गया कि क्यों ऐसा, क्योंकि इसकी पी के बी वैल्यू ज़्यादा होती है, 9.38 समथिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वह डीलोकलाइज हो जाएंगे किस पे, ओवर द बेंजीन रिंग पे, जिसके वजह से यह इजिली प्रोटॉन को, मतलब यह इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हमको क्या मिलता है, इसके बाद जो आता है वह अमोनिया आता है, इससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का होता है, क्योंकि इसके साथ कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं जुड़ा है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं जुड़ा है, सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा है तो इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी नहीं जुड़ा है, तो नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसके कंपेरिजन में। इसके बाद आता है एरिल एल्किलेमिन, C6H5CH2NH2 आता है। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि एरिल एल्किलेमिन है जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज नहीं होता है ओवर द बेंजीन रिंग, वह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद दिया है C2H5NH2 आता है, या लिखेंगे C2H5NH2 आएगा, क्योंकि यह 1 डिग्री एल्किलेमिन है। यह इसके बाद आएगा C2H5 का 2 टाइम्स NH, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यह 2 डिग्री का होता है। और क्यों होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देखिए इसके पहले वाले में कि एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री मोर बेसिक करेक्टर दिखाएगा किसके कंपेरिजन में, 1 डिग्री या 3 डिग्री या 3 डिग्री 1 डिग्री में। 3 डिग्री 1 डिग्री क्यों बोले या 1 डिग्री 3 डिग्री क्यों बोले,
क्योंकि यह एल्किल ग्रुप साइज या फेल्किल ग्रुप पे डिपेंड करता है। उस वीडियो को देखेंगे तो पुनः ही आपको क्लियर हो जाएगा। टू, क्वेश्चन नंबर टू है, इसे ही दे रखा है कि C2H5NH2 दिया है, C2H5NH2 दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि C2H5 का 2 times NH, दूसरा कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड दिया है कि C2H5 का 3 times N दिया है, और चौथा कंपाउंड क्या दिया है, C6H5NH2 का। इसमें हमको बताना है, ठीक यही प्रोसेस यहां भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इसमें बताना है। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तीसरी का होगा, C6H5NH2 का, क्योंकि 1 degree एरिलेमिन है। तो लिखेंगे 1 degree एरिलेमिन को पहले निकाल दिए, C6H5NH2 कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा किसका होगा, तो इससे ज़्यादा होगा, थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेंथ किसकी बढ़ेगी, तो यह आ जाएगा C2H5NH2। क्यों, क्योंकि इसमें तो एक वो क्वेश्चन अब यहाँ पे हो गया, आप तो बताए थे प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ मोस्टली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता था, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टीरिक हिंडेंस ऑफ द एल्किल ग्रुप। तो यह 2 हाइड्रोजन है, साइज बढ़ रही है, एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ रही है, हाइड्रोजन भी 2 है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 2 तो लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। मान लीजिए C2H5NH2 है, हमने यहाँ लिखा C2H5NH2 प्लस H पर प्लस चार्ज, या इसको लोन पेयर देगा तभी तो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, तो जब बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H5N 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, एक यहाँ OH2 बांड बनाएगा, एक यहाँ OH2 बांड बनाएगा, एक यहाँ पे OH2 बांड बनाएगा, 3 बांड बनाएगा। लेकिन इसकी साइज जब बढ़ेगी, जब इसकी साइज बढ़ेगी तो क्या यह इजीली हाइड्रोजन बांड बना सकता है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, या इजीली OH2 इसके साथ नहीं जुटेंगे, क्योंकि यह साइज भी बड़ी है, ए भी साइज भी बड़ी है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो बेसिक करेक्टर इसका जो है कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसके बाद आएगा C2H5NH2। इसके बाद आता है C2H5 का 3 times, C2H5 का 3 times N। अब ये सोचोगे कि 3 बार NH2 जुटा है, मान लीजिए कि C2H5 एक बार है, ठीक है, चुना C2H5 दो बार है, C2H5 तीन बार है, ठीक है, यहाँ पर होगा N, इसके पास 1 lone pair है, H प्लस चार्ज बना दिया, तो C2H5 ये तीनों N प्लस चार्ज H। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है इसके साथ, तो एक ही ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, 2-3 नहीं बनाना है, तो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ बना सकता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बनाना है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, तो यह इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है, बना सकता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है तो इसकी बेसिक करेक्टर इसके कंपेरिजन में बढ़ जाएगी, ठीक है, इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 times हो जाएगा, 3 times हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, तो 2 degree तो मोर फेवरेबल है, जान ही रहे हैं आप, तो यहाँ लिख दीजिए कि C2H5 का 2 times यानी होल ट्वाइस यानी अच्छा हो जाएगा, यह दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि CH3NH2 के बाद CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस यानी एच, दूसरा कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड दिया है CH3 का होल थ्राइस,
CH3 का होल थ्राइस यन कर दिया है। चौथा दिया है C6H5NH2 दिया है, उसके बाद दिया है C6H5CH2NH2 दिया है। इसको अरेंजमेंट करना है बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। देखिए कहीं एरी लेमिन तो नहीं है, तो यह हम आपको मिल गया एरी लेमिन। इसकी बेसिक करेक्टर सबसे कम होती है, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि पी के बी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि इसका बेसिक करेक्टर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। उसके बाद कौन आएगा? इसके बाद हमारा यही आएगा, एरी एल्किलेमिन आ जाएगा। तो C6H5CH2NH2 भले एरी एल्किल है, लेकिन एरिल ग्रुप तो जुड़ा है, माइनस आर इफेक्ट तो दिखेबे करेगा। उसके बाद कौन आएगा? इसके बाद है यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री आ जाएगा? क्योंकि एल्किल ग्रुप की साइज छोटी है। एल्किल ग्रुप की साइज क्या है? छोटी है, ठीक है। एल्किल ग्रुप की साइज छोटी है, तो जब एल्किल ग्रुप की 3 डिग्री मत लिखो, यहाँ पे लिखो, ठीक है, 3 डिग्री होगा। CH3 का होल थ्राइस यन, ठीक है, चाहे 1 डिग्री लिखो, CH3NH2 लिखो यहाँ पे, सॉरी 3 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा CH3NH2 में, तो हाँ CH3NH2 हो जाएगा यहाँ पे, CH3NH2 हो जाएगा। उसके बाद से जो आएगा वह 3 डिग्री आएगा CH3। यहाँ सोचोगे सर 3 डिग्री तो बाद में आपने यहाँ पे लिखा है, तो हम कहेंगे हाँ सही लिखे हैं। क्योंकि लिखे हैं? क्योंकि यह इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है। तो जब साइज छोटी होती है तो 2 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन 1 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन 2 डिग्री के बाद आता है। साइज छोटी होगी एल्किल ग्रुप की, तो 2 डिग्री बाद 1 डिग्री आता है, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री आता है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, एक एल्किल ग्रुप है, इसमें 1 हाइड्रोजन, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही एल्किल ग्रुप है, और इसमें 3 एल्किल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH आ जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH आ जाएगा, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस NH हो जाएगा। इसमें जैसे साइज छोटी होती है तो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हमको, यहाँ पे लिखना चाहिए CH3 का होल थ्राइस यन, CH3 का होल थ्राइस यन, उसके बाद हो जाएगा CH3NH2, मतलब इसके बाद यह, इससे स्ट्रांगर, फिर उससे स्ट्रांगर, फिर इसके बाद से यह आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा केस में। अगले केस के लिए है, अगला क्वेश्चन देखने कौन सा है, कंप्लीट द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग किया है जी? थोड़ा सा बुक देखने दीजिए हमको कि बुक फॉलोइंग में क्या लिखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग क्या की दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट एसिड बेस रिएक्शन। 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1। कंपाउंड है CH3 CH2 NH2 है। रिएक्शन किससे हो रहा है? प्लस HCl के साथ। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये क्वेश्चन ही हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि C2H5 का होल थ्राइस यन एंड प्लस HCl। बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं फीलिंग हो रही है। अरे ये नाइट्रोजन पे क्लोन पेयर सही है, तीस हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2। चार बार, तीन बार आया है ये, 1 2 3 4 1 2 3। ज़्यादा लिख दिए हैं क्या, ज़्यादा हो गया। NH3 पर प्लस चार, इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन, एंड Cl पर माइनस चार। क्या लिखेंगे, N प्रोपाइल एनिलिनियम, N प्रोपाइल एनिलिनियम क्लोराइड हो जाएगा। और इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा, C2H5 का होल थ्राइस, N पर प्लस चार्ज, HCl। इसको पढ़ेंगे ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड 13.5। अगला क्वेश्चन है 13.6 में, देखिए क्वेश्चन दिया है 13.6। क्वेश्चन दे रखा है कि राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन C6H5NH2, यह एनिलीन है, सॉरी NH2। तो कह रहा है कि राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मेथिल आयोडाइड प्लस CH3I in the presence of sodium carbonate। इसकी अमाउंट क्या है, एक्सेस है, किसकी अमाउंट एक्सेस है, तो मेथिल आयोडाइड की अमाउंट क्या है, एक्सेस है। इसका रिएक्शन सोडियम, इसके प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन होगा, इसके प्रेजेंस में मतलब सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में एक्सेस मेथिल आयोडाइड अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखते हैं क्या बनाता है। C6H5NH2+CH3I। नाइट्रोजन पर वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जान ही रहे हैं, तो हो जाएगा C6H5। यह नाइट्रोजन वन लोन पेयर दिया, इसको कार्बन को जोड़ा, यह बॉन्ड टूटा, आयोडीन इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो C6H5 क्या हो जाएगा, C6H5NH2 पर प्लस चार्ज CH3, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आयोडाइड आयन, ठीक है। तो यन मेथिल, क्या पढ़ेंगे इसको, यन मेथिल एनिलिनियम आयोडाइड हो गया, ठीक है। अब कह रहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो C6H5NH2 पर प्लस चार्ज CH3, ब्रैकेट में कर दीजिए आई, ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम आई, एंड प्लस Na2CO3 के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2C6H5NH CH3, ठीक है, NHCH3 एंड प्लस CO2 यहाँ से निकलेगा, और जो है वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, इसके साथ साथ दो बार एन आई है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2NaI, क्योंकि आयोडाइड आयन दो बार आया, दो कॉमन इसमें, तो 2
NaI 2 यहाँ भी है, दो बराडीन है तो सोडियम आयोडाइड बनाया, C6H5PnSCH3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब यह प्रोडक्ट जो है एक्सेस मेथिल आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कि पढ़ेंगे N मेथिल एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन दिखाते हैं, तो C6H5NH CH3 प्लस CH3I, क्योंकि एक्सेस यहां लिखे है CH3I में रिएक्शन करा रहा है, तो प्रोडक्ट बनाएगा यहां पे C6H5N CH3 का 2 times, या इसमें से हाइड्रोजन और ये आयोडीन निकाल दो, -HI में हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, N कामायन डाई मेथिल एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। अब C6H5N CH3 का 2 times एंड प्लस CH3I से पुनः रिएक्शन दिखाइए CH3I से, तो माइनस इस बार कुछ इलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि कोई हाइड्रोजन तो है ना इसके साथ, या लिखेंगे C6H5N CH3 का 3 times, अरे 2 बार यह हो गया 1 बार यह हो गया, तो 3 बार हुआ, तो C6H5N CH3 पर, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा जी, क्योंकि यह 1 lone pair डोनेट करके ना इसको जोड़ रहा है तो प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इसको कुल को ब्रैकेट में कर दो, यहाँ लिख दो I पर माइनस चार्ज, ठीक है। तब क्या पढ़ेंगे, N कामायन ट्राई मेथिल एनिलीनियम आयोडाइड, ठीक है। अब इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन दिखाओ, इसको जो है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो C6H5N+CH3 का 3 times और प्लस Na2CO3, क्यों यहाँ सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन दिखाते हैं, क्योंकि कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर C6H5NH2 एक्सेस CH3I के साथ रिएक्शन कर रहा है किसके प्रेजेंस में, Na2CO3 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनाएगा, तो यह सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा तो प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आई चार्ज हमने लिखा नहीं है, गलत हो जाएगा इसे, ठीक है, यहाँ पे आई पर माइनस चार्ज हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना सकता है जी, हाँ प्रोडक्ट बनाएगा C6H5N पे प्लस चार्ज, CH3 का 3 times आया है यहाँ पे। अब Na और I कॉम्बिनेशन कर लेंगे, Na I कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 times कर दो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सोडियम 2 बार आया है तो आयोडीन भी 2 बार आना चाहिए, तो इसको लिख दो पूरे का होल ट्वाइस क्या लिख दें 2, और CO3 पर यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, -2 charge और +2 NaI हो जाएगा, 2 NaI हो जाएगा। तो पढ़ेंगे क्या इसको, N कामायन ट्राई मेथिल एनिलीनियम कार्बोनेट, क्या पढ़ेंगे, ट्राई मेथिल एनिलीनियम कार्बोनेट हो जाएगा, यही हमारा इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, कि अगर कोई एनिलीन एक्सेस मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो बनाएगा N कामायन ट्राई मेथिल एनिलीनियम कार्बोनेट बनाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, अब यह चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को कोर्स में रिड्यूस कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे। यही हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट पॉइंट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही चल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड, एनिलीन C6H5NH2, कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। यह 13.7 है क्योंकि क्लास तो है नहीं कि हम बात कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो जो लिखा है उसी का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। C6H5NH2 प्लस बेंजोइल क्लोराइड दिया है, तो C6H5C OCl, क्या इसमें मैकेनिज्म बताना है, कुछ बताना यही नहीं है। इस हाइड्रोजन को एक Cl को निकाल दो, इस हाइड्रोजन और Cl को निकाल दो तो -HCl हो जाएगा, ठीक है ना, ये -HCl हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा NH C6H5, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन इसके Cl से कम्बिनेशन करके HCl बना लिया। तो पढ़ेंगे क्या इसको, N से ये जुड़ा है फेनिल और यह एमाइड आ गया, नाइट्रोजन आने से एमाइड में चेंज हो गया, तो लिखेंगे N फेनिल बेंजामाइड हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट आइसोमर्स करिस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N, 13 कितना है, तो 13.8 है, कंपाउंड है C3H9N, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N है। राइट करा कि राइट स्ट्रक्चर डिफरेंट आइसोमर्स, इसका आइसोमर्स बनाना है, इस कंपाउंड का आइसोमर्स बनाना है, और साथ ये पूछ रहा है उनका IPC नेम भी लिखना है, इस कंपाउंड का आइसोमर्स बनाना है, उसका IPC नेम बनाना है, IPC नेम लिखना है, और इसमें से इस का जो आइसोमर्स होगा कौन नाइट किसके साथ जी विच विल डाइवर्ट नाइट्रोजन गैस एंड टेटमिनाइट, कौन सा आइसोमर्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस देगा, एक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यह है, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, उस आइसोमर्स का नाम क्या होगा, कौन सा आइसोमर्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस देगा, यही पूछा जा रहा है। तो आइसोमर्स देखा है क्या क्या है इसका, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका यह है, तो इसका आइसोमर्स होगा CH3CH2CH2NH2, 1 degree amine है, एक आइसोमर्स हो गया, इसको बीच में कर दो, पोजिशन आइसोमर्स में लेके आओ, तो जाएगा CH3CHNH2 and CH3, ये 2 degree amine हो गया, नहीं सॉरी ये 1 degree भी होगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटा नहीं ना, ये भी 1 degree, यहाँ भी हाइड्रोजन हटा है तो भी 1 degree, तो आइसोमर्स 1 आइसोमर्स 2, और कितने आइसोमर्स बन सकते हैं देखते हैं। तीसरा आइसोमर्स बनाने के लिए तो CH3 कर दें, यहाँ NH कर दें, 1 degree में तो अब इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, ये क्लियर है कि 1 degree में वहाँ इसमें इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, दोनों से 2 degree में आते हैं CH3 NH CH2 CH3 हो गया, ये 3 degree मतलब तीसरा आइसोमर्स हो गया, तीसरा आइसोमर्स में कितना, कौन सा आइसोमर्स है, 2 degree है, कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा, ये 2 degree है, ठीक है, तो एक हमारा ये बन गया। उसके बाद से जो है 2 degree के बाद और कौन सा आइसोमर्स बन सकता है, कि चौथा आइसोमर्स देखें क्या बन रहा है, इससे ज़्यादा तो 2 degree में भी नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा जो है 2 degree में भी नहीं बनेगा। तीसरे आइसोमर्स में देखते हैं कि CH3
यन सी एस थ्री एंड सी एस थ्री, मतलब हमको देखने से एपियर हो रहा है कि फोर टाइप में आइसोमर्स बनेंगे, जिसमें दो वन डिग्री का, एक टू डिग्री का, एक थ्री डिग्री का बनेगा। अब हमको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका आईपीसी नेम क्या होगा। तो आईपीसी नेम के मेथ एथ प्रोप, काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन उसी को मानेंगे। तो मेथ एथ प्रोप पहले पे जुड़ा हुआ, तो प्रोपेन प्रोपेन एमाइन कर सकते हैं, आप प्रोपेन मन एमाइन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोपेन का ई रिप्लेस्ड बाई एमाइंस, ई को हटाना ही हटाना है, हीट नहीं हटेगा तो गलत हो जाएगा, लास्ट का डीजी जो ई है वो हट जाएगा, प्रोपेन वन एमाइन करेक्ट नेम आईपीसी। तो मेथ एथ प्रोप दूसरे पे एनएच2 जुड़ा है, तो ऐसे प्रोपेन टू एमाइन हो जाएगा आईपीसी नेम, प्रोपेन टू एमाइन, यहां भी ई को हटाना ही होगा। यह देखिए टू डिग्री में है तो जो छोटा होता है एल्किल ग्रुप उसको सबस्टेंट बना लेते हैं, और लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम पैरेंटल हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। तो यन मेथिल, यन मेथिल मेथ एथ एथेन एमाइन, एथेन एमाइन हो गया, ठीक है, इसका आईपीसी नेम हो गया। इसका आईपीसी नेम लिखिए, तो इसका आईपीसी नेम दो सबस्टेंट बनाइए, यन कामायन डाई मेथिल मेथेनेमाइन, यन कामायन डाई मेथिल, दो बार मेथिल आया है तो डाई मेथिल, एक के लिए पैरेंटल हाइड्रोकार्बन मेथेन मेथेन एमाइन, या ट्राई मेथिल एमाइन अगर लिखते तभी भी सही हो जाता, ये बात नहीं है कि हम यही लिखे हैं तो इसी को पढ़ना है कि सर ने बताया है तो हम इसी को पढ़ेंगे, अगर ट्राई मेथिल लिख दें सी एस थ्री तीन बार मेथिल है तो ट्राई मेथिल एमाइन लिखेंगे, तभी भी हमारा आईपीसी नेम एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। वो यहाँ ऐसे लिखते हैं यन का मायन, दो बार यन आया है तो यन का मायन डाई मेथिल मेथेन एमाइन भी हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का इतना कितने आइसोमर्स बनेंगे, उस आइसोमर्स का नाम क्या होगा। तो हमने आइसोमर्स चार टाइप के आइसोमर्स बनाए, उसका आईपीसी नेम बताया। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा आइसोमर्स नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस को इवाल्व कर सकता है। तो आप जानते हैं कि जितने भी वन डिग्री एमाइंस हैं वही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस को इवाल्व करेंगे, बाकी दो डिग्री या तीन डिग्री नहीं, क्योंकि दो डिग्री तीन डिग्री तो नाइट्रोसो कंपाउंड बना देगा, यह और यह तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा। हमने पढ़ाया भी है आपको कि रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड में, तो यह दोनों जो हैं रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन गैस, जैसे कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच